चैप्टर नंबर 14 द मॉडल मिलियनेयर का मैंने हाफ पार्ट करवा दिया है, पार्ट नंबर 3 उसमें आधा रीडिंग कंप्रेंशन करवा दिया है, तो वो जो आई बटन पे मिल जाएगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा आगे की रीडिंग कंप्रेंशन लिसनिंग। तो लियोनार्ड डा विंसी, लिसन द इंफॉर्मेशन अबाउट 4 वर्ल्ड फेमस पीपल, 4 वर्ल्ड फेमस लोग हैं, दे आर अचीवमेंट, उनकी अचीवमेंट, और कंप्लीट ये सेंटेंस कंप्लीट करो। लियोनार्ड डा विंसी वॉज अ ग्रेट पेंटर, लियोनार्ड डा विंसी क्या थे, ग्रेट पेंटर थे। डा विंसी मोनालिसा कैन बी सीन एट अ गैलरी ऑफ लॉर्वे म्यूजियम, लॉर्वे म्यूजियम की गैलरी मिल जाएगा इन पेरिस, जो पेरिस में है। इन द ईयर 1913 किंग ऑटो ऑफ बावरिया इज डिपोज्ड बाय हिज कजन, ये मिल जाएगा, ये है। इन 1928 अमेलिया आर्थर बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑफ फ्लाई अक्रॉस द अंटार्कटिक, जो अंटार्कटिक में फ्लाई किया था। फ्लाइंग सोलो मीन टू वर्क अलोन, मतलब अकेले काम करना है कुछ भी। हर ड्रीम वॉज फ्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड कुड नॉट कम ट्रू बिकॉज द प्लेन टेक ऑफ, क्योंकि प्लेन चले गया था। एनिमेटेड कार्टून मीन दैट अ मूवी, मूवी MOVIE दैट इज मेड फ्रॉम द सीरीज ऑफ ड्रॉइंग कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स। द इंडियरिंग माउस रिसीव ओवर 2000 लेटर अ डे मीन दैट प्रेजिडेंट पोजिशन, प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिसीव ऑन द इशू ऑफ करेंट पोजिशन। 20 July 1969 इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट फॉर एस्ट्रोनॉट, इम्पॉर्टेंट डेट थी एस्ट्रोनॉटी बिकॉज अपोलो सेकेंड, ये सेकेंड है, वन ये दो है ये सेकेंड, ठीक है। वॉज द अमेरिकन स्पेशलाइट, सेकेंड है वो, थर्ड नहीं है, मैंने गलती से सेकेंड। वॉज द अमेरिकन स्पेस फ्लाइट दैट फर्स्ट लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून, ये एक एस्ट्रोनॉट के लिए 20 July 1969 इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि अपोलो सेकेंड अमेरिकन स्पेस लाइट जो पहली बार कोई ह्यूमन लैंड किया था मून पे, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है 20 July 1969। स्पीकिंग, इमेजिन हाउ द डिफरेंट स्टूडेंट इन योर क्लास वुड यू एक्सक्लेम इन अ सिमिलर सिचुएशन, टेक टर्न, मैंशन द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड शो हाउ दे वुड एक्सक्लेम, यू कुड राइट द एक्सक्लेमेशन ऑन द बोर्ड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू आर एबल टू गेट। तो इसमें सोचना है कि यहाँ पे बताना है आपके आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है क्या उनके साथ ऐसा हुआ है जैसे ह्यूज के साथ हुआ है, ह्यूज ने उन्हें समझ लिया था कि वो बहुत भिखारी है, वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है, और उसे पैसे की ज़रूरत है, उसे मेरे घर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मैं उसे अपने कपड़े दे दूँगा। फिर जब उसे बाद मालूम पड़ता कि अरे वो तो सबसे रिच इंसान है लंदन का, तो वो एक्सक्लेम हो जाता है, वो हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। तो ऐसा क्या आपके साथ हुआ है कुछ भी, कोई टीचर को आपने समझाया हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आपको अपनी क्लास, और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये वाला क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी क्लास में हो तो आप इसे बना कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगी थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो आप लोगों को चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ इसीलिए। पेज नंबर 151, आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड टेक वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला हो गया आर गोइंग, तो हो गया ये फ्रेज है। टू स्टॉप द कैट फ्रॉम जंपिंग इन, तो ये भी होगा। दे कंप्लीट ऑल द वर्क क्विकली, तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, ये फ्रेज नहीं है, ठीक है। शट द विंडो, तो ये भी फ्रेज है। बिटवीन रिया एंड कैट, ये भी फ्रेज है, फ्रेस। अब अबाउट टू मिस द ट्रेन, ये भी फ्रेज है। क्लोज द टू द बस स्टॉप, तो ये भी फ्रेज है। मिसेज जॉन्स लेफ्ट, ये पूरा सेंटेंस बन गया है, तो ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज वॉज ईजी टू डू, ये भी फ्रेज है। हरी अप और यू विल बी लेट, जल्दी, तो ये भी फ्रेज है। यूज दिस सेंटेंस फ्रेज इन योर ओन वर्ड, ओन अपने खुद से ये सेंटेंस बनाओ। आई विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट, तो ये इन अ फ्यू मिनट ये हो गए। पुट ऑल ए इन वन बास्केट, सॉलिट्यूड बाय द रिवर साइड ऑफ खालसा, वी आर ओनली आर्ग्यू टू परफॉर्म बेटर। हाउ टू डू दिस टास्क फ्रॉम दैट ही वॉज अनेबल टू स्लीप, ये हो गया। वी इंजॉय पार्टी विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ हमने इंजॉय करी पार्टी।
राइटिंग, इमेजिन दैट यू आर अ बैरन हॉसबर्ग, आप इमेजिन करो कि आप बैरन हॉसबर्ग हो, राइट एन स्पीच दैट यू विल बी गिविंग एट अ ह्यूज एंड लॉरा वेडिंग, आप एक स्पीच लिखो जो आपको देनी है ह्यूज और लॉरा के वेडिंग पे, शादी में एक स्पीच देनी है, मेंशन हाउ यू एंड ह्यूज मेट, आप बताना कि ह्यूज और आप कैसे मिले थे, व्हाई यू वर इम्प्रेस बाय हिम, आप कैसे उससे इम्प्रेस हुए थे, एंड व्हाट मेड यू डिसाइड टू गिव हिम 10,000 pounds, आप उन्हें 10,000 pounds क्यों दिए थे आपने उसे, ये भी बताना है। तो ये स्पीच, गुड मॉर्निंग एवरी वन, प्रेजेंट ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, गुड मॉर्निंग सभी को ये अच्छे दिन के लिए, आई फील सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द ओकेजन ऑफ द ह्यूग एंड लॉरा वेडिंग, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सबके लिए कि सबने मुझे ये दी है, ये अपॉर्चुनिटी दी है ये ह्यूज और लॉरा की वेडिंग पे, आई एम रियली है वेरी हैप्पी एट देयर वेडिंग, मैं उनकी वेडिंग से बहुत खुश हूँ, आई एम नॉट अ रिलेटिव ऑन अ ब्राइड ग्रूम नॉर इज फ्रेंड, ना ही मैं उनका रिलेटिव हूँ दूल्हा दुल्हन का, ना ही उनका दोस्त हूँ, वेल माई मीटिंग विथ ह्यूज वॉज टोटली अनप्लान, मेरी मीटिंग ह्यूज से हुई थी बिना, मतलब कोई अनप्लान थी, प्लान नहीं थी, आई हैड कम टू सी हिज पेंटर फ्रेंड, मैं आया था उसके फ्रेंड पेंटर फ्रेंड को देखने, एलन ट्रेवर, वो I was already too in his studio, मैं उनकी already studio में था, getting a portrait of myself as a beggar, मैं अपने आप अपनी painting बनवाया था as a भिखारी के जैसी, I also did not reveal my identity, मैंने अपनी identity नहीं बताई huge को to him, he took pity on me, उसे बहुत मुझ पर दया आई, and gave me a sovereign and copper, उसने मुझे खूब सारे coins दिए और चीज़ें दी, कॉपर दिया, आई लाइक हिज जनरसिटी, मैं उसकी जनरसिटी से बहुत खुश हूँ, पसंद करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उसकी जनरसिटी, पीपल लाइक ह्यूज आर द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, लोग ह्यूज को सुंदरता के लिए जान जाते हैं, दे आर द ट्रोली रिच पीपल, वो बहुत ही रिच भी लोग हैं, आई विच ह्यूज एंड लॉरा आ ग्रेट हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड, और मैं आशा करता हूँ ह्यूज और लॉरा की बहुत अच्छी जिंदगी होगी, शादी शुदा जिंदगी होगी, स्क्रीनशॉट ले लें, चैप्टर नंबर 15 सेट योर स्टैंडर्ड हाई, चैप्टर नंबर 15 है सेट आपका स्टैंडर्ड हाई करो, वॉट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, टिक द ऑप्शन विच शो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन समवन, ऑप्शन जिसमें आपको लग रहा हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग लाउडर देन द अदर, किसी दूसरों से तेज बोलना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नहीं, आर्ग्यूइंग हमेशा दूसरों से अपना लड़ते रहना बातों से, तो नहीं ये भी नहीं है, लिसन टू अदर केयरफुली, दूसरों की बातें सुनना चाहिए, हाँ सुनना चाहिए, तो ये सही है, थिंकिंग दैट ही एंड शी नो इट ऑल, सोचना चाहिए कि उन्हें सब पता है, तो हाँ सोचना नहीं सोचना चाहिए वैसे मेरे को लगता है, रिस्पेक्टिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हाँ करना चाहिए, इमेजिन दैट नोबडी कैन मोर करेक्ट देन हिम और हर, क्या सोचना चाहिए कि कोई आपसे उनसे ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी मेरे को नहीं लग रहा, थिंकिंग एनालाइजिंग क्लियरली बिफोर प्रेजेंटिंग अ व्यू ऑफ टेकिंग डिसीजन, हर चीज़ को सोच के एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहिए, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की खूबी है, तो ये होगा, नोइंग वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जानना चाहिए किसी की ताकत और किसी की कमजोरी, हाँ, seeing help, seeking help when he and she can't complete a task, क्या help करनी चाहिए जब वो अपना task नहीं कर पाए तो, हाँ ये भी, having an opinion about thing, चीज़ों के लिए अपना opinion देना, तो ये भी self confidence है, being polite for firm, but firm, polite रहना चाहिए लेकिन firm के लिए, तो I hope you like this video, आगे का reading वाला मैं end screen पे आपको video मिल रही होगी, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, thanks for watching, और कोई और क्लास का आपको अपलोडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे क्लास का नाम बता दीजिए और बुक का नाम बता दीजिए, मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।